हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 1, कीप अप विद द टाइम्स, समय के साथ रहो। आज हम इस चैप्टर में समय के महत्व को समझेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें सभी काम अपने समय पर करने चाहिए और सभी कार्यों को समय पर करने की आदत हमें बनानी चाहिए। जैसा सोने जाने के लिए, सुबह उठने के लिए, खाने के, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, फिर सोने जाने के लिए, गो टू बेड, सभी प्रकार के कार्य के लिए एक समय होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलो शुरुआत करते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हाउ अबाउट डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, सभी कार्य समय पे कैसे होते हैं। लेट अस मेक ए हैबिट ऑफ गेटिंग अप ऑन टाइम एंड गोइंग टू बेड ऑन टाइम। लेट अस मेक ए हैबिट, हमें एक आदत बनानी चाहिए सभी कार्यों को करने के लिए, ऑन टाइम माने समय पर, एंड गोइंग टू बेड, समय पर सोने के लिए। वी शुड ईट ऑन टाइम, हमें समय से खाना खाना चाहिए। फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम, और हमें अपना गृह कार्य भी समय से समाप्त करना चाहिए। रीच स्कूल और अदर प्लेस ऑन टाइम, हमें स्कूल या दूसरे स्थानों पर भी समय से जाना चाहिए। This is known as punctuality. इस प्रकार कार्य करना समय का पालन कहलाता है, यह समयबद्धता कहलाती है। Agrim does everything on time. इसी प्रकार आगे भी जितने भी कार्य हैं आने वाले समय में, वे सब हमें समय से करने चाहिए। See how, देखते हैं कैसे। राइट द करेक्ट सेंटेंस। ईच क्लॉक, प्रत्येक घड़ी के लिए, प्रत्येक घड़ी के नीचे सही वाक्य लिखिए। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई प्ले विद माई फ्रेंड, आई डू माई होमवर्क, आई ईट डिनर। देखिए, ये पहली घड़ी दी गई है, मॉर्निंग का समय है, तो ये क्या कह रहा है, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता लेता हूँ। कब, तो हमें नीचे लिखना है इसके लिए आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM। देखिए क्लॉक में भी 7 बजे है ना, 7 o'clock हो रहा है टाइम, तो ये हमें एक आदत बना लेनी चाहिए कि हमें सुबह 7 बजे नाश्ता लेना है। सेकंड वॉच देखिए, इस क्लॉक में क्या है, इवनिंग, और समय क्या हुआ है, 5 o'clock, और लिखा क्या है, आई प्ले विद फ्रेंड्स, तो हम लिखते हैं आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 5 PM, मैं शाम को 5 बजे अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। अगले वाली क्लॉक देखिए, इसमें क्या वक्त हुआ है, 6 o'clock हो रहे हैं, और सी पे क्या लिखा है, आई डू माई होमवर्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हमने 2 सेंटेंस कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप ये सी और डी अपना आप कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे आई डू माई होमवर्क एट 6 o'clock, मैं 6 बजे अपना होमवर्क करता हूँ। फिर इसमें नेक्स्ट जो क्लॉक है हमारी, उसमें क्या समय हुआ, 9 o'clock, इसमें 9 o'clock हुआ, तो हम लिखेंगे आई ईट डिनर एट 9 o'clock। ओके स्टूडेंट, समझ में आ चुका होगा आपको।
तो आप इन दोनों घड़ी के नीचे भी करेक्ट सेंटेंस फिल कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी, कलर द क्रैक ग्लोब टू नो हाउ पंक्चुअल यू आर। आप जो भी बॉक्स दिए गए हैं, समटाइम का है, नेवर का है, ऑलवेज का है। समटाइम माने कभी कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। आपको इसमें से एक जो बॉक्स है, ब्लॉक है, उसे आपको कलर करना है, जैसे भी आप काम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आई फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं अपना गृह कार्य समय से पूरा करता हूँ। अगर आप समय से कभी कभी पूरा करते हैं तो समटाइम को कलर कीजिए। अगर आप कभी भी समय से पूरा नहीं करते तो आप नेवर वाले बॉक्स को कलर कीजिए। यदि आप सभी कार्य अपने समय से पूरे करते हैं तो आप जो है ऑलवेज वाले बॉक्स को कलर कीजिए। ओके स्टूडेंट, सेकंड, आई क्राई एंड सॉ माय पेरेंट्स वोक मी अप इन द मॉर्निंग। जब मेरे माता पिता मुझे सुबह को उठाते हैं तो मैं चीखता और चिल्लाता हूँ। अगर आप कभी कभी चीखते चिल्लाते हैं तो समटाइम में, अगर आप कभी नहीं चीखते चिल्लाते तो नेवर में, अगर आप हमेशा ही चीखते चिल्लाते हैं तो आप ऑलवेज में कलर करेंगे। थर्ड, आई एट माई डिनर बिफोर 8:30 PM। मैं अपना डिनर यानी कि सोने का खाना, जब आप सोते हो, रात का खाना खाते हो, तो रात का खाना आप हमेशा 8:30 से पहले खा लेते हैं। अगर आप हमेशा ही खा लेते हैं 8:30 से पहले तो ऑलवेज में कलर करेंगे। अगर आप कभी नहीं खाते तो नेवर में, अगर आप कभी कभी खाते हैं तो सम टाइम में कलर करेंगे। फोर्थ, आई ईट फास्ट टू ईच द स्कूल बस। आई ईट फास्ट, मैं स्कूल की बस पकड़ने के लिए जल्दी से खाता हूँ। यानी कि इसका मतलब है कि आप लेट उठते हैं, हर रोज़ देर से उठते हैं, इसलिए आपको देर हो जाती है और आप बस पकड़ने के लिए, स्कूल की बस पकड़ने के लिए तेज़ी से खाना खाते हैं। अगर आप कभी कभी ऐसा करते हैं तो समटाइम में कलर करेंगे। अगर आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, हमेशा ही लेट होते हैं, तो आप ऑलवेज में करेंगे। अगर आप कभी लेट नहीं होते, आप नेवर में करेंगे। आई रीच द बस स्टॉप वेल बिफोर द बस अराइव। मैं अपने बस स्टैंड पर बस आने से पहले ही पहुंच जाता हूं। अगर आप कभी कभी पहुंचते हैं तो समटाइम में, अगर आप हमेशा ही बस आने से पहले पहुंचते हैं तो आप ऑलवेज में कलर करेंगे। यदि आप कभी भी बस आने से पहले नहीं पहुंचते तो आप नेवर में कलर करेंगे, नेवर वाले बॉक्स में। ओके स्टूडेंट, आप इसे बहुत अच्छी प्रकार समझें और पढ़ें, और जो इसमें आपको शिक्षा दी गई है कि अपने कार्य समय से करो, उसका ध्यान रखें। आपको सभी कार्य समय से करने चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए आपको समय के प्रति। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।